हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम, आसान नहीं है इस दुनिया में कमाना अपना नाम। नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय भोलेनाथ। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आने वाले अगले दो दिन 7 जन्मों में पहली बार इतनी बड़ी दुर्घटना होने जा रही है। दोस्तों, हम आपसे माफी चाहते हैं कि आज एक बड़ी ही दुखद घटना आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हमने आपको कुछ खास जानकारी दी है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पूरी तरह से देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर निर्मित है। दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको कौन से कार्य करना है, कौन से नहीं, और जहाँ पर आपको लाखों का लाभ मिल सकता है, और दोस्तों कौन से कुछ ऐसे कार्य भी नहीं करने हैं जिनसे आप लोगों का कोई भी दोस्तों नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस समय आप लोगों को किसी भी अजनबी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वे लोग आपके साथ में धोखाधड़ी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी को मैं ये बड़ी जानकारी दे दूं कि जो बिजनेस कर रहे हैं वे दोस्तों, उन्हें 2-3 दिन सावधान रहने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपके शत्रु वर्ग के लोग आपके काम में अड़ंगे डाल सकते हैं और दोस्तों आपको परेशानी में डालने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों को आपको बेहद ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप सभी को बता दूं कि मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। वे लोग दोस्तों, आप लोगों का व्यवहार इस समय बड़ी ही जोरों शोरों पे चल रहा है। लोगों के प्रति आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आवश्यकता है, इसीलिए इस समय दोस्तों आप लोग बहुत लोगों के दिल में अब राज करने वाले हैं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले समय आप लोगों की ज़िंदगी में कोई दूर चला गया है, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिल ही तौर पर चिंता हुई है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा उदास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जन्म के बाद में मृत्यु उतनी ही निश्चित होती है जितनी कि मृत्यु के बाद में फिर जन्म होना। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर दोस्तों शोक नहीं करना चाहिए। इस समय आपको अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, कंट्रोल करना चाहिए। और दोस्तों, कुछ ऐसी सावधानी रखनी चाहिए जिसमें आप ऊंचे मुकाम को हासिल करने के बाद में ही अपने जीवन में चैन की सांस ले पाएं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप माता पिता से आशीर्वाद चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ खास सावधानियों के बारे में जो आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, व्यवसायिक संबंधी काम काजों में भी मन थोड़ा कम लग सकता है। किसी के बीच बचाव में नौकरी दांव पर लग सकती है, नहीं तो आपसी धोखा हो सकता है। गलत तरीके से धन तरा के कमाने से बचना होगा। नौकरी में काम कर रहे लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, अधिकारी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का दिन राजनीति में काम कर रहे लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है। उनके कामों के द्वारा प्रसिद्धि मिल सकती है, किसी बड़े काम में भी हाथ आजमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रियल इस्टेट और सट्टेबाजी में धर का निवेश करने वाले लोग दिल खोलकर निवेश करें, जिससे कि आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। आय में वृद्धि होने से अपने खर्चों में वृद्धि नहीं करनी है, नहीं तो बाद में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, आपको संतान पक्ष की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए ये 2 दिन उन्नति के नए नए मार्ग खोलने वाला है और नया साधन भी आपको मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण सावधानी आपको बता के चले सलाह दी जाएगी कि पिछले समय अवधि में आपके द्वारा कई बार ऐसा हुआ है कि आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी करना चाहते हैं या कुछ बड़ा करने के लिए आप निकलते हैं, तो थोड़े से प्रयास और थोड़ी सी सफलता के बावजूद दोस्तों, सफलता के बाद में आप अपने जीवन में अपने अंदर के रहस्य को सभी लोगों को बताना प्रारंभ कर देते हैं कि हमने ये किया तो इस तरह से हमें सफलता प्राप्त हुई, हमने इतनी मेहनत करी। ये सारी जानकारियाँ आप किसी को, हर किसी को बताने लगते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए आप अपने अंदर के सीक्रेट्स को, अपने अंदर के रहस्य को
अपने स्वयं तक ही सीमित रखें। बहुत विश्वसनीयता को जांच करने के बाद ही किसी दूसरे के ऊपर आपको भरोसा करना होगा। दोस्तों, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में दोस्तों, यदि हम आपके करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो कार्य क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी मेहनत अवश्य ही रंग लेकर आएगी। ग्रह स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं और इस समय अवधि में यूँ कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहने वाला है, जिसकी बदौलत दोस्तों आप अपने जीवन काल में बड़ी खुशियों को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की आपको देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि पहले क्या होता था, आपका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था, लेकिन इस समय अवधि में आप अपने कार्य के प्रति विशेष रूप से फोकस रहने वाले हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही आप अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य में भी जो है सफलता भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपके काम को देखकर दूसरे लोग प्रभावित होंगे और वो अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने की कोशिश करेंगे आपसे प्रेरणा लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही पदोन्नति के योग हैं। यदि आप धार्मिक कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों, कोई आयोजन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये साल काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपके मन में भी शांति बनी रहने वाली है, ईश्वर की कृपा दोस्तों प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन आपका काफ़ी खुशहाल रहेगा, इसलिए धार्मिक कार्यक्रमों में आप ज़रूर सम्मिलित हों। दोस्तों, धार्मिक कार्यों में आपका जो है सहयोग समर्थन होगा, ये दोस्तों सामूहिक रूप से यदि किया जाता है तो दोस्तों समाज के प्रति, समाज कल्याण के प्रति आप जो भी प्रयास करेंगे उससे आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अच्छे संकेत है समय अवधि में। इसी के साथ में दोस्तों, देखिए क्या है कि आपको हमेशा नेगेटिव पक्ष को अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे आपके राशि के जातकों के कमेंट्स भी हमें पढ़ने को मिलते हैं और कुछ लोगों से दोस्तों मिलना भी हमारा होता है। तो वहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके राशि के जातक हमेशा नेगेटिव पक्ष की बात करते हुए कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा बुरा ही होगा, होता ही रहता है, तो ऐसी बातों को आपको बचने की सलाह दी जाती है। काफ़ी आपको थोड़ा सा जो है सावधान रहने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों से भी बच के रहिए जो आपकी तरफ नेगेटिव ऊर्जा फेंकते हैं। दोस्तों, दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि आप संतान के पक्ष की तरफ से कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि आपके मन में संतान को लेकर के तरक्की छाई हुई है तो दोस्तों उसके लिए है आपका समय अच्छा रहेगा। यदि आपकी संतान है और कुछ ऐसे कार्य करते हैं या फिर दोस्तों कुछ ऐसे स्कूल लेवल पर या फिर कुछ शुभ समाचार जिसके कारण आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, इन समय अवधि में घटनाएं जरूर घटेंगी। इसके साथ में वाहन आदि चलाते समय आपको सड़क पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने परिवारजनों को भी आपको संभालना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।